एंडाकोंडा वापस नीचे पड़ गया गाइस, अभी उलझा हुआ था पूरा माल मसाला, इसको समेटा गया है वापस। क्या समझ रहे हो? क्या समझा? ये समझ रहे, मैं ये बोल रहा हूं। समझे क्या? ये डिजाइन समझ रहे हैं। तो तू क्या घूम रही है? दिखता इतना सा, इतना सोनी ये पता। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग मत स्टार्ट करने देना तू। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार वापस आ चुके एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा था आपने कि प्रोजेक्ट हमारा अभी चल ही रहा है, आज प्रोजेक्ट का दूसरा दिन, और सुबह सुबह के बज रहे हैं 8 और फिक्स 8 बज रहे हैं। फिक्स 8 बजे शेरू जी आ गए हैं, और एज इट इज मतलब कानाराम जी और अरविंद जो है लेट हैं, और अभी अपन चाय पी के निकलने वाले हैं। लेट्स गो। कल गाइस ऑलमोस्ट अपना 60% काम हो चुका था, मतलब आज आसार है, कोशिश करेंगे कि उससे कल से जल्दी आ जाए। एक इसको पता नहीं क्या हो रखा है। जैकी क्या है? तो गाइस अरविंद वगैरह भी आ गए हैं, कानाराम जी भी आ चुके हैं, लेट्स गो भी बैठते हैं। चलो भाई लेट्स गो, गाइस निकल चुके हैं, ये हमारी गैंग खड़ी मोल लेगी। चलो, और वो जा रही गैंग बाजू वाले मोहल्ले की। अरे फंस गई, बड़ा पत्थर आ गया मेरी, फंस गई, पीछे गाड़ी भी रुक गई। ओह नो, लेट्स गो। चल ना 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 ना। तो गाइस यहाँ पे ये वाला रोड जो है ना, अभी आपको एकदम साफ मतलब मिलेगा, और जब आएंगे इतना रश होगा ना इस रोड पे, आपका क्या बताऊँ, मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं होगी। कानाराम जी कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल निकालने की जगह नहीं है, तो कार कैसे निकालेंगे? कानाराम जी ताने नाना 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 नाना। सो गाइस आ चुके हैं अपन वापस अपने लैब में, और अभी मैं व्लॉग शूट करना थोड़ा लेट हो गया। बाकी हमने ये सारा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो नीचे से सब सामान जो है निकल चुका है, पट्टिया वट्टिया खुल चुकी है सबकी, हमने तारे वारे सब निकाल दिए, इस साइड की काम शुरू हो चुका है, दिन हो गया एग्जाम का। हाँ तो ये देखिए पीछे से अभी जो है वो सब नीचे वाला खुल चुका है सामान, इधर से केबले वेबले सब निकल चुकी है, और अभी ठोका ठोकी का काम चालू कर दिया। लेट्स गो गाइस, अभी बज रहे हैं 10:15, और कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा काम जो है खिंच रहा है, बहुत अच्छी तरीके से खिंच रहा है। जहाँ पे आज हम हैं, मतलब आज जिस लेवल पे हम हैं, कल यहाँ पे सिर्फ वायरिंग कर रहे थे अपन। सो क्योंकि कल जो है अपन ने स्टार्ट किया था, और कल रात को ही अपन ने इधर सारी वायरें बिछा दी थी, उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कल के मुकाबले काम बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। कानाराम जी ये देख सकते हैं, आयो बॉक्स जो है ये सब कस हो चुके हैं और कस रहे हैं, और मैंने छेद निकालने थे वो निकाल चुका हूँ। अभी यहाँ पे जो है इंसर्टिंग की जा रही है वायर, ताकि नेटवर्क ट्रेवल कर सके, और अरविंद जी आगे वायर को छील रहे हैं। लेट्स गो यार, काम बहुत बढ़िया चल रहा है गाइस। आया बॉक्स वगैरह सब फिट हो चुके हैं, और अरे भाई केबलिंग सब में इंसर्ट हो चुकी है गाइस। मेरा काम आ गया। हाँ अब इवेंट कर रहे हैं कानाराम जी, अपन करते हैं शुरू जल्दी जल्दी ये करके। ये देखो ये बंदे का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उधर से अपन पीचे से केबलिंग करते 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 आएंगे। चल भाई, लेट्स गो। अरे बाय बाय बाय। ये देख सकते हैं गाइस, ये वायरों के कितने सारे झमेले। अच्छा पीछे से और भी लेके आए। अच्छा वो लगाओ उधर से लाने के लिए। समझ में आ रही है केबल कौन सी किधर जा रही है? अरे पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब सब समझ। भाई ये कंप्यूटर का काम लाइट फिटिंग वालों से भी ज्यादा है। ये वायर तो ठीक है, कम है। यहाँ पे देखो, पता नहीं कौन सी वायर कहाँ से आ रही है, पर हमको सब पता है, आप लोगों को नहीं। सारी केबल गाइस हमने जो है अभी इसको सीधी कर रहे हैं।
ये देख सकते हैं कितनी सारी केबल अभी उलझा हुआ था पूरा माल मसाला, इसको समेटा गया है वापस क्योंकि हमने यहाँ से ड्रेसिंग करनी स्टार्ट की थी तो वहाँ तक करते करते पूरा माल मसाला बिगड़ गया था। अब वापस इसको सही करके टेपिंग कर रहे हैं, उसके बाद में सीधा नीचे लगाएंगे। ये टेपिंग करते हुए हम आ रहे कान जी हमारे, और चारों के चारों जो है अपन कर रहे हैं काम। आज से पहले इतनी सारी केबलें देखी थी और कभी सोचा था इसमें उलझेंगे? गाइस टेपिंग कर चुके हैं, कम से कम 8-10 किलो की केबलें हैं ये सारी की सारी। अभी इसको इसमें डालना है, इतनी छोटी सी पत्ती में 20 केबलें हैं। चलो डालने का काम शुरू करते हैं, लेट्स गो। कान जी ने पूरी बिछा दी है केबलें, चलो चलो। अभी गाइस यहाँ पे टोपा टोपी का काम चालू हो चुका है, ये देखो एंडा कोंडा पड़ा है। कान्हा राम जी कह रहे एंडा कोंडा। हाँ गाइस पूरा वहां से ड्रेसिंग कर दी अपन ने, और बहुत मुश्किल से ये पैक हुआ है। हाँ ठीक है। और गाइस छह हाथ है हमारे, लेकिन दो हाथ कहीं और यूज में है। सारी वायरें, और ये लगेगी देखो ऐसे लगेगी, एक एक वायर ऐसे लगेगी सब में, ठीक है। ऐसे दो हैं तो एक पूरा ये सेक्शन के लिए है, एक पूरा वो सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से वायरिंग पूरी जो है मैनेज हो चुकी है, हमारे चारों ने मिलके जो है कर दी है वायरिंग। और है 8 नंबर पॉइंट। हाँ तो आपको बता दिया 8 नंबर पॉइंट, यहाँ पंचिंग का ध्यान रखना होता है। हाँ तो पंचिंग तो आपको बताई थी, लेकिन इसमें नंबर दे रखा है, ये नंबर इस पे, इस नंबर इस पे, ये देखो ठीक है, ये देखो 1। बाकी पता नहीं क्या क्या लिखा। हाँ ठीक है वो छोड़ो। ओके सो ये अपन का हो चुका है, अब आके दुकान। अभी क्या एक बज चुका है, एक से ज्यादा ही टाइम हो गया। पापा बोल रहे हैं पापा मार्केट से कुछ सामान लेके गए थे, तो वो लेके आ रहे हैं। अभी 15 मिनट है अभी अपन के पास, एंजॉय करते हैं जब तक। अभी कहाँ है भाई, चल ले। चलो भाई फोन करो फोन। आगे गाइस कल वाले रेस्टोरेंट में पापा आ रहे हैं, अभी हमने ऑर्डर दे चुके हैं और आ रहा है ऑर्डर। अभी कान्हा राम जी मेन्यू का डिज़ाइन देख रहे हैं क्योंकि कान्हा राम जी के पास भी जो है एक वर्क आया हुआ है मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके हिसाब से यू नो समझ रहे हैं। हाँ तो चलिए समझ आएगी। सो गाइस आ चुके हैं वापस से खाना वाना खा के, मस्ती से खाया, मजा आ गया। अब घर से डिमांड आई है, तुम खाते रहते हो अकेले अकेले, रात को हमारे लिए भी लेके आना। दिखता इतना सा, इतना सोच के मजाक मत करो यार, मजाक मत करा करो आप, मैं बता रहा हूँ।